द फॉलोइंग फंक्शन क्वेश्चन नंबर 56 तो फिफ्थ में आ जाइए। तो फिफ्थ में क्या है आपका डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स है ना, तो ये देखा डी बाई डी एक्स। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं टी टी रेस पावर हाफ रूट वन हाफ पावर, फिर डी डी बाई डी एक्स ऑफ टी, टी वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉट एक्स, टी वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉट एक्स ठीक। और इसमें पावर आपका बाहर हो जाएगा, एक पावर लेस हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी ना, टी हो जाएगा 1/2 टी माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ टी ठीक है, 1/2 रूट ऑफ टी डी बाई डी एक्स ऑफ टी है ना। अब टी वैल्यू बैक कर दीजिए, टी वैल्यू वापस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टी, टी वैल्यू 1 प्लस कॉट एक्स हो जाएगा ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस कॉट एक्स ठीक है, तो हो जाएगा 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट 1 प्लस कॉट एक्स। आप इसको डिफरेंशिएट करिए तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा है ना, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2√1 प्लस कॉट एक्स, 2√1 अपॉन कॉट एक्स ये आप कर सकते ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, सिक्स पार्ट, तो सिक्स पार्ट क्या है डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब एक्स, तो डी बाई डी टी टी रेट पावर 3 डी टी बाई डी एक्स, इसमें टी को हमने क्या मान लिया कॉस एक्स से ना, अब इसमें इंडेक्स ला लग जाएगा 3 पावर बाहर हो जाएगा 3-1 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ठीक है, तो 3 × t² ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा आपका -3 साइन ऑफ एक्स इंटू टी को लो कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये आप कह सकते हैं ठीक है। दिस इज द चलिए कॉपी करें, नोट करिए।